दोस्तों, क्या मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग अब खत्म होने वाली है? बहुत से बॉडी बिल्डर्स का ऐसा मानना है, और सैफ फिरोज एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो टॉप नेम है इन द बॉडी बिल्डिंग, और उन्होंने भी रिसेंटली ये कहा है कि बॉडी बिल्डिंग आगे आने वाले 5 सालों में खत्म हो सकती है। हम यहाँ बात करें हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी की। फिरोज का ये मानना है कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग गिर सकती है आगे आने वाले 5 सालों में एक कंपटीटर के स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि अब ये ऐसी नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। एक रीसेंट YouTube वीडियो में फिरोज ने ये क्लियर किया है कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिसअपेयर हो सकती है आने वाले 5 सालों में। फिरोज ने अपना नाम बनाया था इन द स्पोर्ट इन 2000। इन्होंने लास्ट टाइम कम्पीट किया था 2012 में, जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया था 2 IFBB प्रो लीग इवेंट्स में। फिरोज ने अपनी कंडीशन बिल्ड की थी 2012 टैंपा प्रो में, जब उन्होंने मैनेज किया 6th place इन टैंपा प्रो। उसके बाद ये कंपटीटर ने डिसाइड किया कि ये अपने हैंड्स को ट्राई करेंगे 212 बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में, और उसके बाद इन्होंने बहुत से कॉन्टेस्ट उसमें भी पार्टिसिपेट किए और 2012 वैलेंटिनी गोल्ड कप में एंटर किया और 7th place हासिल किया। ये काफ़ी अच्छे राइजिंग स्टार रहे हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के। फिरोज मानते हैं कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग इवेंचुअली फेड हो सकती है जैसा उसमें अभी चल रहा है। बहुत से यंगर नेम्स बॉडी बिल्डिंग में, जैसे कि 3 times क्लासिक फिजिक ओलंपिया विनर क्रिस बम्स्टीड, उसके बाद कलेंस्की और 2022 के अर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन टेरेंस रफिन, इनका ये मानना है कि ये स्पोर्ट को चेंज कर सकते हैं और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग को ख़त्म करके अपनी कैटेगरी को बिल्डअप कर सकते हैं और टॉप पर लेके जा सकते हैं। सैफ फिरोज की तरह बहुत से बॉडी बिल्डर्स का भी ये मानना है कि क्लासिक फिजिक इस टाइम पर राइज पर है, और बहुत से लोग इसी कैटेगरी को पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन बॉडी बिल्डिंग। और यही चीज़ देखी गई 2022 के बॉस्टन प्रो बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि क्लासिक फिजिक एथलीट्स लास्ट में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो मेन अट्रैक्शन रहते हैं बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट की आज के टाइम पे। 2021 अर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन निक वॉकर और हंटर लैब्रेडा वेल नोन बॉडी बिल्डर्स हैं मेंस ओपन डिवीजन के, लेकिन सैफ फिरोज ये मानते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है स्पोर्ट के लिए, लेकिन वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये डिवीजन ख़त्म हो सकती है और लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट क्लासिक फिजिक की तरफ बढ़ सकता है। इनफैक्ट इवन द बॉडी बिल्डिंग लेजेंड अर्नोल्ड का भी ये कहना है कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग एक डेंजरस है, और वो भी बिलीव करते हैं कि क्लासिक फिजिक ही एक फ्यूचर हो सकता है बॉडी बिल्डिंग का। दोस्तों, आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्या मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डेंजरस है और इन फ्यूचर इसे ख़त्म करना चाहिए या नहीं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।